हेलो एंड वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासेस और यह है हैशटैग आस्क योरसेल्फ सीरीज का एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जिसका आंसर सभी लोग ढूंढना चाहते हैं। व्हाट इज सक्सेस? तो चलिए बात करते हैं आज के सवाल की और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हमारी सोसाइटी में नॉर्मली काफी ज्यादा किया जाता है, और जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो इसे सुनकर हमारे माइंड में क्या आता है? अच्छा, करियर, मनी, पावर, फेम, सोशल स्टेटस वगैरह वगैरह। पर क्या सक्सेस का रियल मीनिंग यही है? चलिए देख लेते हैं। ये सच है कि हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, सक्सेस को फील करना चाहता है, इसलिए हम सभी लोग चेज करते हैं मनी को, फेम को, पावर को, इवन एजुकेशन, फील्ड, सब्जेक्ट, इन सब को चेज करना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे कि एक्चुअली सक्सेस का मतलब क्या है। दूसरों की सक्सेस देखकर लोग उनकी तरह सक्सेसफुल बनने के लिए ये भूल जाते हैं कि उनके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है। क्योंकि सक्सेस एक बहुत पर्सनल टर्म है, इसलिए इसकी डेफिनेशन भी सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है और होनी भी चाहिए। अगर आपकी नज़र में कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए किसी सक्सेस को डिफाइन करने वाले किसी पेज की पोस्ट पर गई हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोगों के लिए सक्सेस की डेफिनेशन बहुत नैरो होती है। उनके लिए बहुत सारी वेल्थ, शो ऑफ करने के लिए एक रिलेशनशिप, मिलियन बिलियन डॉलर का बिजनेस और बहुत सारे फॉलोअर्स, बस यही मीनिंग होता है सक्सेसफुल होने का। इनमें से कुछ होना या फिर सब कुछ आपके पास होना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान का ये सब देखकर इसी को सक्सेस समझ लेना, ये बिल्कुल ही गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम फेमस लोगों को सक्सेस का पैरामीटर बना दिया जाता है, जबकि फेम और सक्सेस दोनों बिल्कुल ही अलग अलग टर्म है। एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक लड़का या एक लड़की जो एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है या इसी फील्ड में इंटरेस्टेड है और अपना करियर इसी फील्ड में बनाना चाहता है, लेकिन पीयर प्रेशर में आकर वो इंजीनियरिंग चूज कर लेता है और जैसे तैसे बैकलॉग क्लियर करते हुए वो इंजीनियर बन भी जाता है, तो क्या वो एक अच्छा इंजीनियर बन पाएगा? शायद नहीं। इस एग्जांपल की जगह आप खुद को रख कर देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप जिस काम से प्यार करते हो उसे कितनी अच्छी तरह से करते हो, इवन अगर उसमें आपका कोई प्रॉफिट भी नहीं है, तब भी आप उस काम को अपनी पूरी एनर्जी के साथ करते हो। खैर, टॉपिक पर आ जाते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अपने पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से, रिलेटिव और नेबर से ये सुनने को मिलता ही रहता है कि सक्सेस क्या है और हमारे लिए सक्सेस का मीनिंग क्या होना चाहिए। हर किसी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग पर्सपेक्टिव और अलग क्राइटेरिया होता है सक्सेस को डिफाइन करने का। उन सभी लोगों के या फिर पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट करना और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना एक अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उनके पर्सपेक्टिव को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। सक्सेस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट आवर माइंडसेट। सक्सेस का रियल मीनिंग यही है कि हम खुद के गोल सेट करें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या पसंद है, हमारे डिजायर्स क्या हैं और हम क्या करना चाहते हैं। इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि लोग हमें क्या करते हुए देखना चाहते हैं। जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था, ऑलवेज बी योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, डोंट गो आउट एंड लुक फॉर अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी एंड डुप्लीकेट इट। यानी बी ओरिजिनली यू। अगर आप अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे तो आप बहुत सारे मायनों में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। एक बार सोच के ज़रूर देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने जो एक बड़ा सा गोल सेट किया हुआ है, जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेते तब तक हम एक फेलियर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सोचना आपको कभी खुश भी नहीं रख सकता और आपको बड़े गोल को अचीव भी नहीं करने दे सकता। सक्सेस एक गोल भी है, सक्सेस एक जर्नी भी है, और इस जर्नी में हमें बहुत सारे माइलस्टोन भी मिलेंगे और बहुत सारे फेलियर्स भी आएंगे। हर फेलियर और हर माइलस्टोन के बाद हमें रुकना नहीं होता, बल्कि और भी बेहतर करके इस जर्नी को अच्छे से अच्छा बनाना होता है। सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। हर इंसान के लिए सक्सेस की एक अलग डेफिनेशन होती है, जो लाइफ के कई पॉइंट्स पे आकर चेंज भी होती रहती है। जैसे कुछ लोगों के लिए सिर्फ दो वक्त के खाने का इंतजाम करना ही सक्सेस है, तो कुछ लोगों के लिए लग्जरी और लेटेस्ट कार खरीदना सक्सेस है। कुछ लोगों के लिए 90-95% लेकर आना, क्लास में टॉप कर लेना सक्सेस है, तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ पास हो जाना ही सक्सेस है।
कुछ लोगों के लिए छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके ही सेटिस्फाई हो जाना सक्सेस है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना सक्सेस है। कुछ लोगों के लिए अपनी खुशी के लिए काम करना सक्सेस है, तो कुछ लोग दूसरों की हेल्प करने में ही सक्सेसफुल महसूस करते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि सक्सेस कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा माइंडसेट है। इसी तरह आपको अपने आसपास ही बहुत सारे हजारों डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ देखने को मिल जाएंगी सक्सेस की। हैशटैग आस्क योर सेल्फ का ये एपिसोड भी आपको कोई सक्सेस की फिक्स डेफिनेशन बताने के लिए नहीं बनाया गया। ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए बनाया गया कि आप अपनी इस रूटीन लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक लेकर ये सोच सकें कि आपके लिए सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है। तो थोड़ा सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सक्सेस का रियल मीनिंग हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपका लाइक डिजर्व करती है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं सभी के साथ। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। और अगर आपने हैशटैग आस्क योर सेल्फ के दूसरे एपिसोड नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।